हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, जो न्यू वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम पैटर्न का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो डिटेल डिस्कशन होगा, और इसके बाद जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसका डिटेल डिस्कशन यही वीडियो में करेंगे। ये फर्स्ट में हम एग्ज़ाम पैटर्न का 5 मिनट में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस का थोरली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास की ओर देखते हैं। देखिए, जो न्यू वैकेंसी है, आपको वैकेंसी पता है 1000+ है। फॉर्म भरने की तिथि है 30/5/2022 से लेकर 29/6/2022 तक, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो होगा ना, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, तीन भाग में आपका एग्ज़ाम होगा, तीन पत्र होंगे इसके, है ना, तीन पाली में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। देखिए, झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, ये कंपलसरी, ये और ये कंपलसरी है। आपका चेंजेस थर्ड पार्ट में होता है, थर्ड पत्र में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला पत्र में क्या होगा, ये कोई भी एग्जाम लिखो, आप मैट्रिक स्तर का लिखिए, चाहे जेपीएससी लेवल का लिखिए, आपको ये चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पहला पत्र में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटा का एग्जाम होगा ये, ठीक है। इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपसे लैंग्वेज के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी, क्योंकि यहां पर 120 क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश का, तो इसमें दोनों के नॉलेज आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें अच्छा है कि ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इनका नंबर जो फाइनल लिस्ट बनता है रिजल्ट में, उसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है। अगर हिंदी में आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक चीज याद रखिएगा, जो हिंदी में 60 प्रश्न पूछेगा उसमें 30 प्रश्न जो होंगे वो अनुच्छेद बेस में होगा, जो पैराग्राफ बेस में होगा, उसके बाद आपको वहां से जो क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ रहेगा उससे आपको ढूंढ के आंसर देना होता है, है ना। और 30 प्रश्न ग्रामर से होता है, व्याकरण से होता है हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में 30 प्रश्न पैसेज से होंगे, मीन्स जो हिंदी में जिस तरह का क्वेश्चन आएगा सेम इंग्लिश में भी उसी तरह का क्वेश्चन आता है, बस लैंग्वेज डिफरेंस है, वही पैटर्न है, ठीक है। और 30 नंबर का जो होगा और 30 प्रश्न इसमें होंगे, क्या होंगे, ग्रामर से होंगे, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये 120 क्वेश्चन है, तो 120 दिया कितना हो गया, 360 नंबर का एग्जाम आपका लैंग्वेज का होगा, ठीक है। और इसमें 30% आपको लाने जरूरी है, अगर आप 30% नहीं ला रहे हैं दोनों को मिला के, तो आपका कॉपी आगे वाला चेक नहीं होने वाला है, मीन्स आपको ये दोनों मिला के 108 नंबर लाना है। अगर आप 108 नंबर से कम लाते हैं तो इधर वाला कॉपी आपका चेक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए पत्र 2, इसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटा का होगा, ये क्षेत्रीय लैंग्वेज का है, जो झारखंड में रहता है उसमें, जो झारखंड का गैजेट है, इसमें जो भी लैंग्वेज दिए गए हैं उनमें से एक लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप झारखंड में नौकरी कर पाइएगा, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो 100 प्रश्न होगा, ठीक है, 2 घंटा का होगा और 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, मीन्स एक क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या होता है, पहला उर्दू है, संताली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, इतनी भाषाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाषा है, इनमें से आपको किसी एक भाषा को चुन लेना है, और जो फॉर्म फिलिंग होते रहेगा उसमें एक भाषा को वहां पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उसी भाषा का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 100 प्रश्न का होगा और 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें भी आपको 30% मार्क्स जरूरी है, अगर आप 30% मार्क्स 30% से कम ला रहे हो तो इसमें आप फेल काउंट हो जाओगे, ठीक है, तो आपका फिर रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका ये 90 मार्क्स इसमें एकदम जरूरी है, मिनिमम 90 मार्क्स जरूरी है, लेकिन अगर मैक्सिमम देखा जाए तो जो
अनुमान लगाया जाता है 250 से अगर आप ऊपर लागते हो तो ही आपका सिलेक्शन बनता है ना, क्योंकि लैंग्वेज पेपर ही आपको जॉब दिलाएगा, इसी में आपका ज्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। और देखिए जो पत्र 3 है इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट का ये एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तकनीक विषय के बारे में पूछे जाएंगे। देखिए जो वैकेंसी हमारा है ना, वो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री मांगा, अलग अलग आपका ये मांगा, क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ये तकनीक विषय बोला है तो जो जो विषय आपका पर्टिकुलर विषय है ना, तकनीक विषय में, टेक्निकल विषय में, उसमें आपको 100% पूछे जाएंगे जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, 100% पूछे जाएंगे। सिलेबस के बारे में भी हम करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो उसमें 100 जो पार्टिकुलर विषय आपका होगा, जो आप सब्जेक्ट पढ़े हैं है ना, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको 100 क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन है उससे 20 क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, जो सामान्य गणित है इससे भी 20 क्वेश्चन पूछेगा, और जो अब जो सामान्य विज्ञान है इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसमें भी आपको 30% नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। तो 30% मीन्स 135 नंबर इसमें लाना ही लाना है आपको, इससे कम लाते हैं तो आप फेल काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। तो देखिए इसका ये जो पहला पेपर है उसका मार्क्स तो आपका इंक्लूड नहीं होता है, तो इसको आप साइड में रख दीजिए। आपका जो नंबर बनेगा, आपका जो रिजल्ट बनेगा, ये दोनों नंबर के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए इसका 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, इसका 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स, तो आपका कितना हो रहा है 750 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा 360 आप, लेकिन इसका इसमें ऐड नहीं होता, इसको साइड रख देंगे, ठीक है। तो इतना होने वाला है। और एक चीज, अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं 3 नंबर मिलता है, अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, मीन्स एक गलत के पीछे आपका 4 मार्क्स कटने वाला है। जो गलती क्वेश्चन दिए हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चन आप आंसर दे, उसका 3 मार्क्स और 7 का जो पेनाल्टी लगेगा, 1 नंबर और पेनाल्टी ऐड हो जाएगा, तो ये 4 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो गलत ना करें और जो सही है उसी को सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। तो आप चलिए इसका सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करते हैं हम। देखिए इसका सिलेबस जो दिया गया है वो सिलेबस काफी छोटा है, बट जो इसका जो पार्टिकुलर जो डिग्री के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हर डिग्री के लिए, हर क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग डिग्री है, मीन्स 6 पोस्ट आए हैं, ठीक है, 6 पोस्ट आए हैं, उसमें अगर आप हर एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन चेक कीजिएगा तो हर एक में आपको अलग अलग स्नातक डिग्री मांगा है, ठीक है। तो जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आया हुआ है। जैसे अगर आपका अगर एनिमल हस्बेंड्री में है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक पार्टिकुलर क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा, है ना, 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन उसका अलग से पूछा जाएगा। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका है इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है, तो इसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस से अलग से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स से अलग से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैथ का बात करें, मैथ के लिए है तो मैथ का भी अलग से पूछा जाएगा। अगर सैनिटेशन वाटर तो इस सब्जेक्ट से अलग से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 4 भाग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सामान्य जो सामान्य नॉलेज है, जो बेसिकली तकनीक के आधार पर है, मीन्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन, वो अलग हो गया। उसके बाद सामान्य अध्ययन होगा, और उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान होगा, और उसके बाद सामान्य गणित होगा, ठीक है ना।
सब्जेक्ट वाइज अलग है आपका, ठीक है ठीक। हाँ, उसके बाद ये जो तीन जो पूछेगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, ये कॉमन है, ये सबके लिए है। आप चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन से हो, कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो तीनों सिलेबस का पार्ट है ना, वो सारे स्टूडेंट के लिए है। सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो अलग होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने बता दिया है कितना कितना क्वेश्चन का करेगा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, सामान्य अध्ययन में क्या बोला है, सामान्य अध्ययन में समसामयिक विषय क्या होता है, ठीक है। समसामयिक विषय में करेंट अफेयर्स होता है, और साथ साथ एक दो तीन साल के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए हैं, है ना, पार्टिकुलर घटनाएं इंसिडेंट हुए हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो समसामयिक विषय का मीन्स क्या होता है, देखिए, वैज्ञानिक प्रगति, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या हो जाता है, वैज्ञानिक प्रगति में भारत ने कहां पर मिसाइल लॉन्च किया, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट से मिसाइल लॉन्च किया, भारत ने कौन सा परमाणु रिएक्टर स्टार्ट किया, ठीक है, और भारत ने कौन सा सैटेलाइट को भेजा, इसरो का क्या काम है, ठीक है, इसरो ने किसने सैटेलाइट बनाया है, नासा क्या करता है, नासा का सैटेलाइट किया है, जाक्सा का सैटेलाइट किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो भी सैटेलाइट, मिसाइल, है ना, इस सब से रिलेटेड जो भी यहां पर होता है, चाहे साइंस में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसे इन्वेंशन होता है, ठीक है, वो वैज्ञानिक प्रगति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस पार्ट में आप वो सबको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए, कभी भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, चाहे समसामयिकी पढ़ोगे, तो आपको नेशनल लेवल में जो भी अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो बुक के लिए दिया जाता है, चाहे वो खेल के लिए दिया जाता है, चाहे वो आपका फिल्म के लिए दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, चाहे भारत के पीएम को जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, वो सभी इस पर इंक्लूड होगा। और इंटरनेशनल में भी जो भी पुरस्कार मिलता है भारत वाले को, चाहे प्रोमिनेंट पर्सन जो बाहर दूसरे देश में भी रहते हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इंडियन लैंग्वेज, भारत में कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज को संविधान में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं 1971 में 2003 में, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पुस्तक, बुक, बहुत सारे राइटर बहुत सारे बुक लिखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कर्मयोद्धा एक बुक है जो नरेंद्र मोदी पर आधारित है, ठीक है, तो उस टाइप का बुक, और बहुत सारे जैसे इतिहास में भी बहुत सारा बुक है, जैसे आईने अकबरी हो गया, जैसे आपका नीति शतक हो गया, ठीक है, और जैसे आपका देवदास हो गया, है ना गोदान हो गया, है ना, तो उन सभी पुस्तकों को जो लिखा है ना, उनके राइटर का नाम पूछा जाता है। चाहे अगर राइटर लिख देगा तो आपका पुस्तक का नाम पूछेगा, बुक का, ठीक है। लिपि क्या होता है, लिपि कौन सा फॉन्ट से आप लिखते हो, देवनागरी लिपि, बहुत सारे लिपि अवेलेबल हैं, है ना, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल, बहुत सारे अभी जो भी देश न्यूज में हैं, ठीक है, उनके कैपिटल आपको पूछे जाएंगे, राजधानी, ठीक है, तो अगर मैं 10 से 12 कैपिटल अभी बता दूं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मान इंडिया इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट, चाइना इंपॉर्टेंट, श्रीलंका इंपॉर्टेंट, रशिया इंपॉर्टेंट, यूक्रेन इंपॉर्टेंट, बेलारूस इंपॉर्टेंट, अमेरिका इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट, जापान इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी देश है ना वो हमेशा न्यूज में रहते हैं, ठीक है। फिर करेंसी, अगर आप
कैपिटल पढ़ रहे हो तो आपको करेंसी साथ में पढ़ना है, क्योंकि वही कंट्री का करेंसी और कैपिटल पूछा जाता है जो न्यूज में होता है। ठीक है, अब प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, जो कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई स्क्वैश खेलता है, ठीक है, कोई टेनिस खेलता है। तो इन सभी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, सभी प्लेयर नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं जिन्होंने कुछ रिकॉर्ड सेटअप किया है, जो कोई अवार्ड जीता है या उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो उस प्लेयर का नाम पूछा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब जो भी घटनाएं होती है, जिस तरह से अभी वार चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, जो भी वार चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे नरेंद्र मोदी ने कोई कौन सी विदेश यात्राएं की हैं, है ना, कौन सा देश पर भुखमरी हो रहा है, कौन सा देश का रैंकिंग क्या आया है, कितना सूचकांक में क्या चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। ठीक है, ये झारखंड और भारत और इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत का इतिहास से क्वेश्चन होगा आपका, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, संस्कृति, हमारे संस्कृति क्या रहा है, इस संस्कृति के अंदर में बहुत सारी से भाषाएं हो गई, लोक डांस हो गया, है ना, फोक डांस हो गया, है ना, फिर से ट्राइबल हो गया, उन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जिस तरह से आपका भूगोल, भूगोल समझते हैं, सौरमंडल पूछा जाएगा, महादेश के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा महादेश में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर माउंटेन है, कौन सा माउंटेन सबसे बड़ा है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर लेक है, उन सभी चीजों के बारे में भूगोल में पूछा जाता है। पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो ग्लोबल ग्लोबल इमिशन में क्या हो रहा है, कार्बन इमिशन कितनी है, क्यों बैठके इतनी होती है, इस सब सारे चीज का पर्यावरण से रिलेटेड होता है ना, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, कार्बन का मात्रा कितना चल रहा है ना, वो सब चीज के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य में क्या होता है कि भारत का जीडीपी कितना है, हमारे देश पड़ोसी देशों का जीडीपी कितना है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है ना, वो सब चीजें पूछी जाती हैं। भारत का भी कितना प्रोजेक्ट किया गया है, कितना एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में भारत का जो जीडीपी रेट रेट होगा, परसेंटेज होगा, कितना इंक्रीज होगा, वो सब चीजें बारे में पूछा जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिन्होंने योगदान दिया है भारत को अलग कराने में, भारत को आजाद कराने में, तो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं, है ना, तो इंडियन जिसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा कि भारत, देखिए इंडिया है जो बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, तो कितने तरह के यहाँ पर कृषि होते हैं, कितने तरह के लैंड हैं, है ना, कितने तरह के यहाँ फसल उगाए जाते हैं, कौन सा फसल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है, कौन सा फसल का एक्सपोर्ट हम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत का संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट या कोई पढ़ाई करता है या इवन इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी नागरिक है, सभी को संविधान पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो भारत का संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एवं राज्य व्यवस्था, भारत में, भारत के राज्यों में किस तरह व्यवस्थाएं चलती है, उन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। देश की राजनीतिक प्रणाली, भारत की राजनीतिक प्रणाली क्या है, लोकतांत्रिक है, तो भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने क्षेत्रीय दल हैं, है ना, कौन सा सिस्टम यहाँ पर चलता है, वो सारे चीजों का पूछा जाएगा। देखिए प्रोमिनेंट एक इंपॉर्टेंट पंचायती राज, पंचायती राज भारत का कोई भी एग्जाम आप लिखोगे ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज का एक डिटेल सेशन मैं लाने की कोशिश करूंगा, काफी अच्छा सेशन होगा, आप उसको देख सकते हैं। सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास पंचायती राज से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैं दोनों को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इससे एग्जाम में बन जाएंगे। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 1950 में शुरू हुआ था भारत में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या होता है, पंचवर्षीय योजना वो चीज़ होता है जो भारत का विकास दर तय करता है। देखिए कभी भी कोई प्लान बनाया जाता था पहले ना, तो 5 साल का एक प्लान होता था। ठीक है, जिस तरह 1950 में ये योजना लाया गया था, तो 1950 से लेकर 55 तक ये प्रोजेक्ट रखा गया था कि भारत का डेवलपमेंट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो 5-5 साल का जो बनाया जाता था प्लान, ठीक है, लेकिन अब भारत सरकार ने क्या किया है, इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। 2017 से नीति आयोग काम कर रहा है, 2017 से 22 तक काम करेगा, उसके बाद अगला नीति आयोग का फिर से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन हो गया, अब सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान बहुत ईजी चीज है। देखिए
समान विज्ञान में कोई पार्टिकुलर कोई चैप्टर बताया नहीं है, लेकिन आप 9 और 10 लेवल का, 9 एंड 10 है ना, 9 एंड 10 क्लास का एनसीईआरटी ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये आप पढ़ लोगे ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आप डे टू डे लाइफ में जो भी फेस करते हैं साइंस रिलेटेड, मींस आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, आप खाना खाते हैं ठीक है, आप चलते हैं ठीक है, आपका ब्लड है, आपका बोन है ठीक है, इन सब चीजों से आपका कान है, आपका नाक है ना, सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, वहां से कहाँ खाना डाइजेस्ट होता है, कहाँ से निकलता है ना, हमारे पैर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, ये सब सारे चीजों का बायोलॉजी सब में पूछा जाता है। अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बोलेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ गैस का नाम पूछ देगा, कार्बन का सिंबल क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, फिर से आपका अगर पीरियोडिक टेबल पे कुछ क्वेश्चन कर देगा है ना, तो वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिजिक्स से बहुत सारे रूल होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ जाएगा पूछ लेगा, जैसे आपका क्वेश्चन पूछे वर्क से पूछेगा, टाइम से पूछ सकता है ना, वर्क फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बहुत सारे एसआई यूनिट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकता है ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम सामान्य गणित की बात करें, सामान्य गणित का आपका 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा ठीक है, जो 10th लेवल का आप बुक पढ़ सकते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसके साथ आरएस अग्रवाल लगा दोगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें बोला गया है कि अर्थमेटिक पूछेगा, मीन्स अंकगणित में क्या क्या चैप्टर होते हैं है ना, तो अर्थमेटिक का हिंदी है अंकगणित ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जैसे हो गया परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया मींस प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई हो गया साधारण ब्याज, सीआई हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट मींस क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, आपका एवरेज से पूछेगा, वर्क एंड टाइम से पूछेगा है ना, इन सब चीजों से क्वेश्चन आपका पूछा जाता हो, सिंप्लीफिकेशन पूछ ले ठीक है। फिर बीजगणित पूछेगा मीन्स अलजेब्रा होता है, क्या होता है अलजेब्रा को बीजगणित बोलते हैं ठीक है अलजेब्रा। फिर ज्यामिति मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्री को बोला जाता है इसमें, जिसमें सर्कल हो गया है ना, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया ठीक है, ट्रेपिजम हो गया है ना, इन सब चीजों से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ठीक है। इसके बाद आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिकोणमेट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन्स 30 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, क्योंकि आपको ये सिलेक्शन दिलाने वाला है। और मैंने बताया है कौन सा पोस्ट किसके लिए है, और काफ़ी अच्छी सैलरी इन सभी चीज़ों के लिए है ठीक है। तो चलिए ये बने रहिए इस पे, और आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।